एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, आप बोल सकते हैं नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, क्योंकि घर में सफाई वफाई कर रही थी तो मैंने कहा किचन की बाद में क्लीनिंग शुरू करूँगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। फिर पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम लग जाए कितना ना लगे। तो तन्मय तो घर पर ही था क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, उसको स्कूल नहीं भेजा था आज, तो गुड्डू गई हुई है। फिर बच्चे को आते ही खाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी के लिए प्याज और हरी मिर्च काट रही हूँ। वैसे तो मैंने सब्जी और दाल बनानी है तो उसके लिए मैं जो हरी मिर्चें सारी एक बार में ही काट ली है, और प्याज मैं उतना ही काटूंगी जितना मुझे पहले सब्जी बनानी है, तो उसके लिए मैंने बड़ा प्याज ले लिया है। तो ये दोनों चीज़ें काट लूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और तेल हो गया है गर्म, तो मैंने डाल दिया है उसमें हींग, और हींग के बाद जीरा डाल दूंगी मैं इसमें। और हींग डालना मुझे अच्छा लगता है, खुशबू आती है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज और हरी मिर्च काट के रखे थे वो इसमें डाल दिया है, और प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूँगी जब तक कि इसका रंग चेंज नहीं हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है तब तक मैं इसको इस तरह से कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे प्याज हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, और सूखे मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी जो होती है वो भी डालूंगी। कसूरी मेथी से भी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो लोग डालते हैं उनको पता ही होगा, आदत पड़ जाती है इसकी सब्जी में डालने की, फिर इसके बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो ये सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ सब्जी। मैं इस आज बना रही हूँ आलू गोभी मटर। तो गोभी को तो मैंने गर्म पानी में भी किया था एक बार, क्योंकि गोभी का बहुत ज़्यादा डर रहता है कीड़ा वीड़ा साइड में ना रह गया हो। तो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सब्जी को मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैं प्लेट ढककर छोड़ दूँगी, सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैंने चढ़ा दिया है फ्राई पैन, ये जो मैं लेकर आई थी स्टील वाला, इसमें मैं दाल वगैरह बना लेती हूँ, अच्छे से बन जाती है, बनी बनाई होती है, सीटी लग चुकी होती है, सिर्फ जो है फ्राई करना होता है। तो घी गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने उसमें हींग और जीरा डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, इनको भी मैं थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें आगे जो टमाटर वगैरह डालना है वो डालूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं दाल घी में ही छोकती हूँ, मैं उसकी दाल बना रही थी मसूर की, तो वो दाल अच्छी लगती है मूंग की हो मसूर की हो घी में, और जब होता है एक्स्ट्रा घी तो डाल लेती हूँ, वरना तेल या रिफाइंड में भी छोंक लेती हूँ। तो उसके बाद जब प्याज हो गए थे तो मैंने टमाटर डाल दिया है, और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें अब सूखे मसाले डाल रही हूँ। नमक और हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया था, अब मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है और जीरा पाउडर डाला है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और टमाटर को जब तक ये गल नहीं जाते तब तक मैं इनको पका लूँगी। तो यहाँ पर टमाटर पक चुके हैं, अब मैं इसमें जो दाल है सीटी लगा के रखी हुई है वो डाल दूँगी। मसूर की दाल वैसे भी हल्की रहती है, तो तन्मय के चक्कर में मैंने ये दाल बनाई थी ताकि वो इसके साथ रोटी खा ले, क्योंकि जब बच्चे को खांसी वगैरह हो बुखार हो तो चावल वगैरह ठीक नहीं रहता है, तो मैंने कहा वो दाल में रोटी चूर के खा लेता है तो वो ये खा लेगा। और गोभी की सब्जी गुड्डू की वजह से बनाई थी क्योंकि उसको दाल वगैरह नहीं पसंद है। तो दाल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है, दाल बन चुकी है, और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सब्जी को चेक, इससे पहले भी मैं सब्जी को दो बार चेक कर चुकी हूँ, ये लास्ट बारी चेक है। तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, और आप लोग देख रहे हैं कि सब्जी कितनी अच्छी बनी है, मैंने सिर्फ प्याज में इसको बनाया है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला है। मुझे थोड़ा सा सब्जी वैसी अच्छी लगती है जब हम सब्जी को ग्राई के साथ उठाएं, रोटी के साथ उठाएं, तो तेल सा हल्का फुल्का नीचे हो, वो जो अजीब सी हो जाती है ना सब्जी, कई बार मेरे साथ भी होता है, तो वो टमाटर की वजह से होता है, या कई बार आलू अजीब से होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। तो आज बिल्कुल वैसे ही सब्जी बनी है जैसी मेरे को चाहिए, तो मैंने धनिया डाल दिया है, तो सब्जी भी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल, और ये कुकर दाल वाला ही है जिसमें दाल में सीटी लगाई थी, उसको बस पानी से धो लिया है और गैस पे चढ़ा दिया था, थोड़ा सा तेल डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ,
और ये मैंने जो थोड़े से चावल बचे थे इसमें पानी डाल दिया है। 1 गिलास चावल लिए थे तो 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है, और एकदम खिलखिले बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। मतलब 1 गिलास चावल, 1.5 गिलास पानी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। आप लोगों को पता ही है डेली वेज में जब मैं चावल बनाती हूँ तो मैं इसमें हल्दी डालती ही डालती हूँ, जीरे वगैरह से नहीं इसको बनाती हूँ। तो बस ढक्कन लगा दूंगी, 1 सीटी में चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, रोटियां भी मैंने बना ली थी इस बीच। तो ये सब्जी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में और टेस्ट में भी अच्छी थी। वैसे तो देखिए मैंने बनाई है, अपनी बनाई चीज़ को हर कोई अच्छा ही बताता है, लेकिन यकीन मानिए अच्छा बन जाता है खाना जो मैं बनाती हूँ। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सारा खाना बन के तैयार हो गया है, दाल सब्जी चावल मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और इन सबको भी खाना दे दिया है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और एक मिर्च का अचार भी ले लिया है, और मैं हरी मिर्च का अचार ख़त्म हो गया है तो दोबारा से डालूंगी। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पे सब कुछ सामान रखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये सब कुछ। और जो क्लब फैक्ट्री से, ओ क्लब फैक्ट्री बोल रही हूँ, फ्लिपकार्ट से, जो फ्लिपकार्ट से मंगाया है ये भी यहीं पर है जो मैंने बताया था। तब से अब तक मैंने इसको खोला ही नहीं है कि क्या है, क्या आया है, कैसा आया है, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिला। घर से आने के बाद इस घर में ऐसे लग गई हूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हैं, 4 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सामान। लेटने का मन था, मैंने कहा बाद में लेटूंगी, वैसे लेटने का टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि 4 बज गए हैं। शाम को कुछ नहीं बनाना है, थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ी सी दाल है, और बच्चों के लिए सुबह में ही देख लूंगी क्या बनाऊं। वैसे तो वो दोनों ने मैक्रोनी की जिद लगाई हुई है, टिफिन में कोई लाया होगा उसको देखा है तो तब से उनको है कि मैक्रोनी तो देखते हैं सुबह क्या देती हूँ। थक गई, और अभी भी सफाई पूरी नहीं हुई, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है, चलता रहेगा। किचन पूरी साफ हो गई, लेकिन किचन एकदम चकाचक हो गई है। थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है मैंने किचन में सामान वामान रखने का, और बहुत सारी चीज जब हम सफाई करते हैं फालतू की निकलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब हो गई हैं, हमने देखा नहीं है, तो कुछ चीजें ऐसी, तो बहुत सारा अनशंट का सामान निकला है, वो सब जो है हटाया किचन से, अच्छे से सेटिंग की है। दिल लग रहा है किचन में जाते हुए। अब तो शुरू करते हैं आप लोगों को सामान दिखाना। बहुत सारे कमेंट्स हैं, प्लीज प्लीज दीदी दिखा दो। तो सबसे पहली बात तो प्लीज वाली तो बात ही नहीं है, आप सिर्फ यही बोल दीजिए आगे से दिखा दीजिए, इतना ही काफी है। प्लीज लग के तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन पहले वही वाला वीडियो जाना जरूरी था। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया मंगलवार को, आज बुधवार पे मैं वीडियो बना रही हूँ, कल टाइम ही नहीं मिला। और देखिए अगर मैं वीडियो कल बना लेती फिर मैं उसको एडिट ना कर पाती, फिर आज की भी ये वीडियो हो जाती तो बहुत ही ज्यादा फिर फालतू का हो जाता। तो मैंने कहा छोड़ो आज मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो घर से क्या क्या मिला है मुझे, शुरुआत करते हैं अपनी चीज से। तो ये वाली शॉप है जो मैं बता रही थी ना, सरदार जी की शॉप है हापुड़ में, ये वाली, हाँ ये सरदार जी क्लॉथ स्टोर, काफी फेमस शॉप है ये, गोल मार्केट में ही पड़ती है। तो एक तो ये वाली साड़ी है, थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ मैं भी, देख लूंगी, बार बार देखना अच्छा लगता है। कल भाभी औरों को दिखाया था तब भी देखा, और फिर भी मन करता रहता है, जब भी उस कमरे में रखा था सामान, जब भी जाती हूँ ना तो एक राउंड इनको देख ही आती हूँ नगाते हुए। तो ये इसका पेटीकोट है साथ में, मतलब लिया है अलग से। तो जो इसका कपड़ा है, और मैं बता दूं उसमें रंग इसका गुलाबी आ रहा है, इसमें रंग इसका गुलाबी नहीं है, इसका रंग वाइन कलर है, ये बहुत ही अलग रंग आ रहा है वीडियो में, ऐसा रंग नहीं है जैसा उसमें दिख रहा है, तब भी नहीं आ रहा ये कलर जो है। तो इस तरह से ये साड़ी है, इतना सुंदर रंग है इसका, वीडियो में पता नहीं कैसा आ रहा है। तो इस तरह से पूरी साड़ी, और इसका कपड़ा जो है जैसा आजकल सिल्क ज्यादा चल रहा है तो उसी तरह का इसका कपड़ा है। तो अच्छी लग रही है ना, और इस तरह की इसमें ये लगी हुई है, मतलब लगी क्या हुई है, बॉर्डर सा बना हुआ है,
जो काम यहाँ पे है उसी का ये बॉर्डर लगाया हुआ है। पूरी साड़ी ऐसी ही है, ऐसे ही बड़ी बड़ी बूटियां बनी हुई है जैसे कि यहाँ है। पल्लू पे भी यही काम है और अच्छी लगेगी ये साड़ी, लेकिन कलर आप लोगों को वो नहीं दिख पा रहा जो इसका है। साड़ी मैंने पैक करके रख दी है हाथों हाथ, क्योंकि एकदम से यहाँ कपड़े कपड़े जाएंगे बाद में और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो बस मैं इसको पहले रख देती हूँ। एक एक करके इसी तरह से पैक करती रहूंगी और आप लोगों को दिखाती रहूंगी। और मैंने चूड़ी भी ली थी, चूड़ी वैसे आप लोग देख चुके हैं मेरे हाथ में ये वाली है और बहुत सुंदर चूड़ियां मिलती हैं हापुड़ में, तो मैंने पहन भी ली है ये वाली, ये जो हाथ में पड़ी है। और काफी अच्छे से मत अच्छी मिल गई थी चूड़ियां, 20 रुपए दर्जन। मैं लेने तो इस साड़ी के साथ की रुके थे कि इस साड़ी के मैचिंग की ले लेते हैं, लेकिन उनके पास थी नहीं इस कलर की, तो फिर मैंने कहा चलो ये अच्छी लग रही है ये ले लेते हैं। तो अब मैं दूसरा भी अपना ही दिखाने वाली हूँ। ओहो, मैं कह रही इसका वो आ गया, ये ले गए होंगे ना पिन्नी निकाल के इस सूट की। तो ये जो है ये वाला मैंने खुद से लिया है, ये मुझे पसंद आ गया था तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो इसका ये काम पसंद आया था मुझे, ये इस तरह से है ये, और इसमें इस तरह से कट है यहाँ पे यहाँ से, और जो इस पे काम हो रखा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला, ये चीज। बाकी सिंपल है, कलर भी इसका प्यारा है, ग्रे कलर है इसका, इस तरीके से है ये। और जो इसका प्लाजो है उस पे भी ये काम है नीचे यहाँ पे, इतने पे, बाकी सिंपल और क्या होगा इसमें। तो इसकी भी मैं तय कर देती हूँ पहले। एक साड़ी और है ये वाली, ये भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये साड़ी है और इसका कपड़ा जॉर्जेट में है, इसका कपड़ा जॉर्जेट में है और इसका रंग इसमें तो गुलाबी सारा है, लेकिन इसका रंग गाजरी रंग बोल सकते हैं कि गाजरी रंग है, तो इस तरह की है। इसमें ये बॉर्डर है, बाकी पूरी साड़ी ये प्लेन है और इसमें जो इसका ब्लाउज है उस पे काम हो रखा है, उसके ब्लाउज पे इतना काम नहीं है जितना इसके ब्लाउज पे है। इस तरीके से ये बाजू का डिजाइन है और गले पे भी है ऐसी। तो एक ये साड़ी है, दोनों साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक तो मैं अभी तैयार करवाऊंगी, ये वाली शायद बाद में तैयार कराऊं, क्योंकि त्योहार हम लोगों में आते ही रहते हैं, मौके मिलते रहते हैं, तो इसको भी मैं तय करके रख देती हूँ। तो अब अगली चीज दिखाती हूँ, अगली चीज क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी है, और ये है वो अगली चीज, ये करीब से दिखाती हूँ आपको डिजाइन। ये है इसका डिजाइन, बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। गुड्डू की पायल भी है, तो वो गुड्डू ने पहनी हुई है, स्कूल जा रही है, उनके ऊपर सॉक्स चढ़ा चढ़ा के मैं मना कर रही हूँ, लेकिन मान नहीं रही वो लड़की। तो मेरे बाद नंबर आता है पति देव का, उनको मतलब जो टी शर्ट वगैरह है, मैं मतलब मम्मी के साथ मैं ही गई थी, ये तो घर पे रहे थे, तो फिर इनको फोन पे पूछा, लेकिन इनको साइज का प्रॉब्लम रहता है, जींस का मुझे पता है इनका, तो
तो फिर इन्होंने मना कर दिया था कि टी शर्ट वगैरह मैं खुद ले लूंगा, मतलब इन्होंने तो मना ही किया था कि लेना ही नहीं है, लेकिन फिर मम्मी बोल रही थी सबका है उनका ना हो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो टी शर्ट के मतलब मैं ले लूंगी। मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे कि यहाँ से दिला देना इनको, तो ये इनकी जींस है विपिन की। वैसे तो आदमियों का देखते हुए मतलब जी नहीं लगता ना, औरतों को औरतों का सामान देखने में मजा आता है भाई, सूट साड़ी चूड़ी बिंदी कंगन, तो ये इनको मिली है, इनका सिर्फ यही है, शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। आप चलते हैं बच्चों के कपड़ों की तरफ। तो गुड्डू का ड्रेस कुछ इस टाइप का है, ये जो आजकल चल रहा है ना इनका लेंथ तक है ये वाला, वैसे तो वो बहुत लंबी है, उसको जल्दी से ये छोटा भी हो जाएगा क्योंकि यही टाइम होता है बच्चों की हाइट बढ़ने का, तो ये है उसका, फटाफट फटाफट पहन लेगी पूरी सर्दी जब तक पहना जाएगा, फिर ये शायद गर्मियों में कैप्री करके काम आ जाएगा। तो ये है इसके साथ इसका ये टॉप है। गुड्डू की सबसे ज्यादा कपड़े खरीदने में ये परेशानी होती है कि वो बहुत ही पतली सी है लंबी सी है, जो उसकी लंबाई के हिसाब से हम कपड़े खरीदते हैं वो उसको शरीर में नहीं आ पाते हैं, तो ये दिक्कत होती है उसके साथ। तो इस टाइप का उसको ठीक आएगा सर्दियों में, जब वो नीचे गर्म इनर वगैरह पहनेगी तो बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो ये वाला है, ये वाला का जो कलर है ना जो इसमें आ रहा है ऐसा कलर है मेरी साड़ी का, इसका थोड़ा सा डार्क हो गया या ऐसे ही होगा, तो ये कलर है उसमें ये थोड़ा हल्का आ रहा है, बाकी इसका कलर फिर भी आ रहा है। आप देखते हैं तन्मय के कपड़े। ये है उसका जोड़ा, इसके नीचे टी शर्ट है, मतलब जो ये ब्लेजर टाइप है पता नहीं क्या है, तो इसके नीचे टी शर्ट है और ये इसकी पैंट है। मैं भैया को बोल रही थी, मैं कहा भैया पैंट तो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो रही है, लेकिन फैशन है, यही फैशन है जो चीज मैच ना हो जो दुकानदार बोलते हैं। वैसे ये है, मैंने देखा है इस तरह की पैंट तो बहुत ज्यादा चल रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये कलर। अब इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या है। वो सारा सामान मैंने उधर रख दिया है ठीक से करके, बस ये उठाना है और जगह पे रखना है। तो इसको देखते हैं पहले जो मंगाया है जैसा है वैसा है कि नहीं है जैसा पिक्चर में था। एक तो पैकिंग तो भाई इनकी बड़ी अच्छी होती है, जो भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं कहीं भी नहीं मिलता उसका सामान पूरा इधर से भी है, अभी तो एक तरफ से और है, तो फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये जो इसके चाकू होता है लगाने वाला वो है, ये मैंने कहा औजार भी तो चाहिए लगाएंगे किससे वरना, तो मैंने कहा मंगा लेते हैं, फिर इसी के चक्कर में हम बैठे रहेंगे कब वो मंगाएंगे, मैं भूल भी जाती हूँ इनसे मंगाना। तो तीनों चीजें एक साथ बुक की थी मैंने और आप लोगों को बताया भी था। तो ये इसका हीटर है, मैंने कहा ये भी मंगा लेते हैं, तो देखते हैं घर पे करके कैसी नेक्स है ये। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है जिससे इसको अप्लाई करते हैं, के बाद इसमें वैक्स है उसमें हीटर है, तो इसको खोल के देखते हैं। रीका की थी ये वैक्स, काफी बड़ा डब्बा है और ये था इसी, ये सारा सामान मुझे 1100 कुछ का पड़ा है, एक एक का प्राइस मैं भूल गई हूँ, सबसे महंगी ये ही थी 800 पता नहीं 900 कुछ की, पे प्राइस नहीं दिखा हुआ लेकिन हाँ सबसे महंगी यही थी, रीका एलोवेरा की है ये। तो अभी तो मैं खोलूंगी नहीं इसको, जब यूज करूंगी तब खोलूंगी। अब इसको देखते हैं, वैसे आज तक मेरा सामान टूटा फूटा नहीं निकला है,
जैसा देखती हूँ वैसा ही निकला है, बस ये है कि थोड़ा क्वालिटी वाइज वो होता है कि भाई उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही थी, जैसे कि ये है उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही थी, लेकिन अगर ऐसे देखूं तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का लग रहा है। पर चलिए, डर रहता है ना फुकने फुकने का इस टाइप हल्के उसमें हो तो, और फिर वही चीज बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर हम अच्छी एक बार खरीद लेना तो फिर उसमें एक ही बार पैसे लगते हैं। अब अगर ये फुक वुक गई वैसे तो मुझे इसका कौन सा रोज का काम है। अगर हमें जो फेशियल हेयर हटाने के लिए मैंने लिया है वो रोजाना तो नहीं हटाने हैं भाई, अभी शादी का टाइम है तो मैं अभी सोच रही हूँ कर लूँ। अभी ये भी सोच रही हूँ कि घर पे करूँ कि नहीं करूँ। ये ढक्कन भी है इसका, तो चलिए मैंने दिखा दिया है आपको सारा सामान जो ऑनलाइन मंगाया था, वो भी जो मुझे घर से मिला है, मम्मी ने दिया है वो भी। और एक चीज और है, बड़ी कीमती चीज है, जो कि है मायके का प्यार, भाई भाभी का प्यार, मम्मी का प्यार। माँ बाप तो देखिए सभी के प्यार करते हैं। एक कहावत भी है कि क्या बोलते हैं, है तो कुछ यहाँ है कहावत, तो मुझे वो याद नहीं आ रही, मैंने बहुत दिमाग लड़ाया है यहाँ बैठ के, कमर लगा ली है इससे, कुछ था तो वो कि लाड़ प्यार माँ बाप का, माए का भैया भावज का, कुछ इस तरह से है। तो जिनके भाई भाभी अच्छे होते हैं उनका जो नंद होती है, जैसे मतलब हम लोग होते हैं, तो उनको एक सुकून रहता है, बेशक उनको एक कतर ना मिले अपने मायके से, लेकिन सुकून रहता है कि ठीक है चलो हमारा जो है वहां पे आओ भगत हो रही है, हमारे बच्चों को पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है, तो ये चीज बहुत बड़ी होती है। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला वो चीज अलग है। वो आज जो है बहुत सारी सफाई कर ली है, अभी भी बची हुई है, और दिवाली तक ये चलती रहेगी, मेरी हर साल दिवाली के दिन तक भी चलती रहती है, या छोटी दिवाली तक चलती रहती है, क्योंकि बाहर का जितना भी धोना धाना है, गेट वगैरह सब पे धूल जम गई है, तो वो सब मैं छोटी दिवाली के दिन ही करूंगी ताकि वो चमकता रहे। अगर मैं अभी कर लूंगी कलवल में तो फिर वो धान कूट रहे हैं तो फिर वो ही गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे छोटी दिवाली का इंतजार है कि कब मैं करूं, छोटी दिवाली आए, और मुझे लगता है कि अब मुझे आप लोगों से इजाजत ले लेनी चाहिए। कल मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट का टाइम नहीं हुआ लेकिन जुबान पे रट गया है, क्योंकि अधिकतर रात के टाइम में मैं आपका वीडियो का एंड करती हूँ, और टाइम क्या हो गया है ये सब दिखाते हुए पैक करते हुए। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था 4 बजे का कुछ टाइम था, 4 नहीं तो 4:10 हो रहे होंगे क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं उस टाइम, और अभी 4:42 हो रहे हैं। चलिए बाय बाय, कल मिलती हूँ।